नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कूलिंग टावर्स के बारे में बताने वाला हूँ। कूलिंग टावर्स क्या है, कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है और कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो कूलिंग टावर्स, तो दोस्तों कूलिंग टावर्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो कूलिंग टावर्स जो है, कूलिंग टावर्स हमारा थर्मल पावर प्लांट में उपयोग किया जाता है। कूलिंग टावर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? थर्मल पावर प्लांट। आल्सो कूलिंग टावर्स यूज इन इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, सिनेमा, स्कूल्स इत्यादि कई जगहों पे। ऐसा नहीं है कि जो कूलिंग टावर्स है वो सिर्फ हमारा लिमिटेड उपयोग है उसका, थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट। कूलिंग टावर्स को हम कई जगह पे उपयोग करते हैं, कूलिंग पर्पज के लिए, एयर कंडीशनिंग में भी यूज करते हैं। तो जो कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग हम किसको, हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में बदलने के लिए करते हैं। किसके द्वारा? एयर के द्वारा। तो जो हमारा पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, तो जो हमारी क्या होती है, एग्जॉस्ट स्टीम होती है, जो हमारी टरबाइन से स्टीम वर्क में चेंज होने के बाद एग्जॉस्ट होती है, तो उस स्टीम को हम फर्दर वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम कंडेंसर से ठंडा करते हैं, तो कंडेंस करते हैं तो कूल हो जाता है, तो गर्म पानी होता है। लेकिन इसको हमको और ठंडा करना है गर्म वाटर के लिए, तो हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर या पॉन्ड्स का उपयोग करते हैं। तो ये कूलिंग टावर इज ए डिवाइस विच यूज टू चेंज हॉट वाटर इंटू कोल्ड वाटर बाय एयर। दिस कोल्ड वाटर अगेन यूज इन बॉयलर। तो जो हमारा पानी है जिसको हमने ठंडा कर लिया है, जिसको हमने कंडेंस कर लिया है, कूल कर लिया है, इसको हम पुनः बॉयलर में भेज सकते हैं, जहां पे फर्दर हीट करके स्टीम बना के हम फर्दर इसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, कूलिंग वाटर का काम होता है, जो हम कूलिंग टावर से ठंडा करते हैं। द कूलिंग टावर यूज इन लार्ज पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रीज। कूलिंग टावर्स का उपयोग है जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इसमें उपयोग करते हैं कूलिंग के लिए। किसके लिए? फॉर कूलिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इतनी जगहों पर हम कूलिंग टावर से जो हमारा लगे होते हैं या उपयोग किए जाते हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं, इसकी यदि हम वर्किंग की बात करें कि कूलिंग टावर है तो ये कैसे काम करता है, तो कूलिंग टावर की जो वर्किंग है, कूलिंग टावर्स में वर्क कैसे होता है, तो इसके लिए इन कूलिंग टावर्स का जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम है जिसमें हम नीचे से, बॉटम से हम बाहर की ठंडी हवा को पास करा रहे हैं और जो हमारा गर्म पानी है उसको हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, फाल करा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। तो ये वाटर हमारा क्या होता है, उसमें स्ट्रैप लगी होती है, तो उससे हमारा फैलता है, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होता है छोटा छोटा, और नीचे से हवा जाती है तो दोनों संपर्क में आते हैं, संपर्क में आते हैं तो हवा गर्म होती जाती है और सम वाटर पार्टिकल्स भी हमारे वेपराइज हो जाते हैं, और वेपराइज एयर हॉट हमारी क्या होती है, टॉप से बाहर निकल जाती है, और जो पानी है वो ठंडा होकर नीचे आ जाता है टावर में और वहां कलेक्ट हो जाता है। इस वाटर को हम फर्दर क्या करते हैं, बॉयलर्स में भेज सकते हैं, रीयूटिलाइज कर सकते हैं, या हमको और ठंडा करना है तो फर्दर हम पंप से, कंडेंसर से फिर से इसको रिसर्कुलेट कर सकते हैं। तो इन कूलिंग टावर्स हॉट वाटर इज डिलीवर्ड टू टॉप ऑफ टावर एंड फॉल्स डाउन थ्रू द टावर एंड ब्रोकन इंटू स्मॉल पार्टिकल्स वाइल कूल्ड एयर एंटर्स द टावर एट द बॉटम एंड फ्लो अपवर्ड एंड कूल द वाटर। मीन्स तो जो कूलिंग टावर है, इसमें हमारा जो गर्म पानी है उसको हम कहाँ से भेजते हैं, टावर के टॉप से भेजते हैं और नीचे गिराते हैं थ्रू द टावर, टावर से नीचे आता है तो ये हमारा क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल में बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जबकि जो ठंडी एयर है वो हमारी टावर के नीचे निचले हिस्से से एंटर करती है टावर में और ये अपवर्ड मूव करती है, जिससे ये दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं, हीट एक्सचेंज होगी और हमारा जो वाटर है वो हमारा ठंडा होगा और नीचे आपका कलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें नीचे क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। ड्यूरिंग कूलिंग प्रोसेस सम पार्ट ऑफ वाटर वेपराइज। कूलिंग के दौरान क्या होता है, कुछ वाटर के पार्टिकल्स हैं वो हमारे वेपराइज हो जाते हैं विद एयर एंड हीटेड एयर लीव्स द टावर एट द टॉप। जो गर्म हवा है वो हमारी कहां निकलेगी, टावर से बाहर, ऊपर से, ऊपरी हिस्से से निकलेगी।
द कूलेड वाटर फॉल्स डाउन इन टू बॉटम ऑफ टैंक वेयर इट कैन बी अगेन मूव टू कंडेंसर बाय पंप। इसको हम फर्दर पंप करके कंडेंसर में भेज सकते हैं या हम फर्दर पंप करके किसमें बॉयलर में सप्लाई कर सकते हैं, किसका, ये ठंडे पानी का। तो ये हमारे कूलिंग टावर की वर्किंग होती है। कितने प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स की यदि बात करें तो कितने टाइप्स के कूलिंग टावर हैं। तो कूलिंग टावर जनरली हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और एक होता है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो ड्राफ्ट आपने बॉयलर्स में पढ़ा हुआ है कि ड्राफ्ट जो होता है वो हमारा कहलाता है प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस है जिसके कारण हमारी गैसेस चिमनी से बाहर निकलती हैं, जो कि हम बॉयलर में स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम कूलिंग टावर्स की बात कर रहे हैं, तो कूलिंग टावर्स में भी ड्राफ्ट वर्ड यूज किया गया है, इसको हम ड्राफ्ट या ड्राफ्ट बोलते हैं। तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर जो है, इसमें नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में हमको फैन की आवश्यकता नहीं होती है, एयर को सर्कुलेट करने के लिए फैन उपयोग नहीं किया जाता है। और इसमें जो एयर सर्कुलेट होती है ये हमारी प्रेशर में डिफरेंस के कारण सर्कुलेट होती है, कि जो हमारे टावर्स में आएगी ऊपर की ओर मूव करेगी और गर्म होके बाहर निकल जाएगी और जो पानी है वो नीचे आएगा और पानी ठंडा होके नीचे रिसीवर या टैंक में कलेक्ट हो जाता है। तो ये जो हमारे टावर हैं नेचुरल ड्राफ्ट टावर, इसमें हम क्या करते हैं कि द एयर इज सर्कुलेटेड बाय प्रेशर डिफरेंस। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एयर एंटर इनटू द कूलिंग टावर फ्रॉम बॉटम एंड मूव अपवर्ड। ये एयर बॉटम से मूव एंटर करती है और ऊपर की ओर मूव होती है, और जो वाटर है वो ऊपर से आता है और नीचे की ओर आता है। तो दोनों आपस में जहाँ टकराएंगे तो हीट एक्सचेंज होगी और हमारी एयर गर्म हो जाएगी, तो इसकी डेंसिटी और कम होगी और लाइट हो जाएगी और ऊपर की ओर मूव करके टावर से बाहर निकल जाएगी। तो जो हमारे नेचुरल ड्राफ्ट टावर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में रेक्टेंगुलर टेम्बर टावर और एक होता है हाइपरबोलिक टावर। अब हम बात करें मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की, तो मैकेनिकल का मतलब है कि यहाँ पे हम कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस का उपयोग करके क्या करते हैं, एयर को सप्लाई कराते हैं टावर के अंदर, फ्लो कराते हैं। तो इन मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर फैन इज यूज्ड फॉर सर्कुलेटिंग द एयर। यदि हमको एयर को सर्कुलेट करना है तो इसमें हम क्या करते हैं, फैन का उपयोग करते हैं। फैन या ब्लोवर लगा होता है पंखा, जो बाहर से सराउंडिंग की एयर को खींचेगा और टावर के अंदर प्रेशर से क्या कर देगा, फोर्स से एंटर कराएगा, सप्लाई करेगा। तो व्हेन पावर प्लांट्स रन ऑन पीक लोड्स, जब हमारे पावर प्लांट अधिक लोड पे पीक लोड पे रन करते हैं, वर्क करते हैं पीक लोड पे, तो क्या है कि इट रिक्वायर्स ए वेरी हाई रेट ऑफ कूलिंग वाटर, बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में हमको कूलिंग वाटर की आवश्यकता होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिकल ड्राफ्ट, जिसमें हमारे मैकेनिकल ड्राफ्ट हैं जो दो प्रकार के हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स में, जिसमें एक फोर्स ड्राफ्ट होता है और एक इंड्यूस ड्राफ्ट होता है। फोर्स एंड इंड्यूस दो प्रकार के हैं जो इसमें हमारे मैकेनिकल के अंदर आते हैं। आइए अब हम जानते हैं हाइपरबोलिक ड्राफ्ट, हाइपरबोलिक नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ये हाइपरबोलिक नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का डायग्राम दिया हुआ है, जिस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो हमारी एयर है बॉटम से दोनों ओर से इन कर रही है और एयर ऊपर की ओर मूव हो रही है और गर्म होके बाहर निकल रही टॉप से। तो बॉटम से इंटर कर रही, टॉप से निकल रही, लेकिन जो हमारा हॉट वाटर है, वार्म वाटर है जिसको हमको कूल करना है, इसको हम हॉट वाटर स्प्रे सिस्टम में टॉप से क्या करते हैं, इंटर कराते हैं और इसको हम स्प्रे कराते हैं डाउनवर्ड। तो जब ये नीचे की ओर स्प्रे होगा और नीचे से एयर जा रही है तो ये एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, संपर्क में होंगे, तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगी। और जब हीट एक्सचेंज होगी तो क्या होगा कि हमारी जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, कुछ वाटर पार्टिकल्स भी वेपराइज हो जाएंगे और जो पानी है वो ठंडा होके नीचे आ जाएगा और नीचे आपका कलेक्ट हो जाएगा। तो मींस हाइपरबोलिक कूलिंग टावर इज मेड ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट। ये इसका फायदा है हाइपरबोलिक कूलिंग टावर का, क्योंकि ये रेनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट का बना होता है, जिसके कारण इसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये इसका क्या है, एडवांटेज है। तो द हॉट वाटर इज पंप टू द टॉप ऑफ द कूलिंग टावर इन हॉट वाटर स्प्रे सिस्टम एंड फॉल डाउनवर्ड बाय स्प्रे सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हॉट वाटर को हम क्या करते हैं, पंप करते हैं
टॉप ऑफ द कूलिंग टावर इन हॉट वाटर स्प्रे सिस्टम एंड देन फॉल डाउन इन द स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में जब हम स्प्रे करेंगे इससे स्प्रे सिस्टम से, तो ये हमारा कहाँ की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। जबकि फ्रेश एयर इज फ्लो फ्रॉम बॉटम, फ्रेश एयर हमारे निचले हिस्से से फ्लो होगी बॉटम से, और ये मूव करती है कहाँ, ऊपर की ओर, अपवर्ड। कहाँ की ओर मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी। When air flow upward, जब हमारी एयर अपवर्ड फ्लो होती है, the heat exchange between hot water and air, इन दोनों के बीच में क्या होती है, ऊष्मा चेंज होती है, हीट ट्रांसफर होती है, जिसके कारण एयर हमारी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, एंड हमारा जो वाटर है वो कूल हो जाएगा, एंड दिस कूल्ड वाटर कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द टावर एंड वार्म एयर रिजेक्ट फ्रॉम टॉप ऑफ द टायर। ये हमारी गर्म हवा बाहर निकल जाएगी टावर से, और जो हमारा कोल्ड वाटर है वो हमारा क्या होगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा, इसको हम फर्दर रीयूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल ड्राट। मैकेनिकल ड्राट जो है आपका, मैकेनिकल ड्राट में हमारा यहाँ पे हमने फोर्स ड्राट लिया है, क्योंकि यदि हम इंड्यूस की बात करेंगे तो जो हमारा फैन लगा हुआ है जो एयर को फ्लो करा रहा है इस सिस्टम में, वो फैन हम टॉप पे लगाएंगे यदि हमारा इंड्यूस है, और यदि हमारा फोर्स है तो उसको हम बॉटम पे लगाएंगे। जैसे कि आप बॉयलर चिमनी ड्राट जो देखते हैं, तो चिमनी ड्राट में क्या है, चिमनी के पास लगाते हैं नियर द वेस ऑफ चिमनी तो वो इंड्यूस होता है, और यदि हम फर्नेस के पहले लगाते हैं तो वो फोर्स होता है। तो सिमिलर हियर इन मैकेनिकल फोर्स ड्राट कूलिंग टावर फैन इज यूज टू सर्कुलेट द एयर। एयर को सर्कुलेट करने के लिए सिस्टम में हम किसका उपयोग करते हैं, फैन का उपयोग करते हैं। इन फोर्स ड्राट कूलिंग टावर द फैन इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ द टावर एंड हॉट वाटर फ्लो डाउनवर्ड। तो हमारा क्या होता है, जो कूलिंग टावर है इसमें हमारा फैन हमारा बॉटम पे लगा होता है, और जो हमारी हॉट वाटर है उसको हम फ्लो कहाँ से कराते हैं, टॉप से। कहाँ पे, नीचे की ओर, टावर के टॉप से हम फ्लो कराते हैं, कहाँ पे, नीचे की ओर, और स्प्रे के रूप में हम क्या करते हैं, इसको फ्लो कराते हैं, क्या कराते हैं, स्प्रे कराते हैं। तो इसमें क्या है कि व्हेन हॉट वाटर एंड कोल्ड एयर कॉन्टेक्ट इन टावर, जब टावर के अंदर दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं तो क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी, क्योंकि एयर ठंडी है पानी गर्म है, तो क्या होगा, एयर हमारी गर्म होती जाएगी तो पानी हमारा कुछ ठंडा होगा, और ठंडा पानी नीचे आके कलेक्ट हो जाएगा, और एयर गर्म होके टॉप से टावर के बाहर निकल जाएगी। तो इसमें आगे दिया हुआ है कि हीट ट्रांसफर टेक प्लेस एंड कोल्ड वाटर कलेक्ट एट बॉटम ऑफ द टावर एंड वार्म एयर आउट फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। जो हमारी गर्म हवा होती है वो हमारी टावर से बाहर निकल जाती है, और जो पानी है वो नीचे आ जाता है, और इस पानी को हम फर्दर पंप से बॉयलर में भेज देते हैं, और पुनः इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है मैकेनिकल ड्राट में फोर्स। मैकेनिकल ड्राट में कौन सा है, मैकेनिकल ड्राट में हमारा कौन सा है, फोर्स ड्राट। इंड्यूस में मतलब होता है, इंड्यूस में जो टावर का टॉप है यदि हम वहां पर फैन लगाएंगे तो ये एयर को ऊपर की ओर खींचेगा, तो नीचे प्रेशर घटेगा, जिसके कारण बाहर की एयर आपकी इस टावर के अंदर ऑटोमेटिकली खींची आएगी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, तो उसको हम बोलते इंड्यूस। लेकिन यदि हम एयर को बाहर से ही फोर्स कर रहे हैं किसमें, टावर के अंदर, जिसमें हमारा फैन नीचे लगा है, तो वो कहलाता है फोर्स ड्राट। तो ये हमारे कूलिंग टावर्स हैं जो कि हमारे थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज वगैरह में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम डिफरेंट वे में सोचें, तो डिफरेंट वे में आपने रेडिएटर देखा है। रेडिएटर में क्या होता है, जो हैवी व्हीकल्स होती हैं, हैवी लोड में यूटिलाइज होती हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एज ए कूलेंट वाटर यूज करते हैं। ये वाटर गर्म होके इवोपरेट होके क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इसके बाद हम फिर दो चार दिन में रेडिएटर में पानी डालते हैं। तो इसमें क्या है कि सामने से जो फ्रंट से एयर टकराती है तो वहां पर कूलिंग फिन्स बनी होती हैं, और ये वाटर हमारा इंजन से सर्कुलेट होता है ठंडा करने के लिए उसको, तो क्या होता है, आपस में ये वाटर ठंडा होता है बाहर की एयर से, जिससे हीट एक्सचेंज होती है। सिमिलर कूलिंग टावर्स। ओके, चलिए, थैंक यू।